मैंने मांगा नहीं किसी से, किसी से नहीं कहा कि आप मुझे राजनीति में खींच लीजिए, लेकिन घटनाएं घटती गई और मैं उसमें उलझता गया। तो जैसे जैसे मैं उलझा, मैंने सोचा अब वो एक संस्मरण के रूप में, रिकलेक्शन के रूप में उसको लिखा जाना चाहिए। और आप उस पुस्तक को अगर पढ़ना है तो वैसे ही पढ़िए उस पुस्तक को। नेपाल के ऊपर एक एक्सपर्ट किताब है, श्रीलंका की एक्सपर्ट किताब है, ऐसा नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। एक दो बात जो बहुत बार आलोचना भी हुई है, जैसे रॉ का एजेंट कहा गया, तो ये तो फैशन है हिंदुस्तान में भी। जब कि अमेरिका से नाराज होते थे तो हर एक को कह देते थे CIA के, क्योंकि ये सही बात कहा है लाल साहब ने कि जब अपना, और खनाल ने, कि जब अपना संरक्षण नहीं होता तो दूसरों के दोष डाल दीजिए, तो उससे वो बात सुलझ जाती है। तो मैंने भारत की नीतियों का, चाहे वो नेपाल के बारे में हो, चाहे श्रीलंका के बारे में हो, चाहे लाओस के बारे में हो, जहाँ मुझे लगा सही है मैंने उसकी हिमायत की है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैंने जैसा समझा वैसा लिखा। जहाँ मैंने नहीं उनकी हिमायत की है उसकी आलोचना भी की है, नेहरू की आलोचना की है, मनमोहन सिंह की आलोचना की है, इंद्र कुमार गुजराल जिन्होंने मुझे एम्बेसडर बनाया उनकी आलोचना की है। जहाँ भी नीति को मुझे गलत लगा, इस किताब में भी है, आप देखेंगे उसको, वहाँ आलोचना की है। जहाँ मुझे लगा सही है वहाँ कहा भी है। तो वहाँ मुझसे मेरे पड़ोसी नाराज हो गए, क्योंकि भारत को एक आलोचनात्मक ढंग से देखा जाता है। और अगर कोई उसकी किसी भी नीति को, लाल साहब ने ठीक कहा कि मरेज को छोड़ दिया, यही तो मैंने लिखा है उस पर, कि भारत ने कभी अपने मन से मदेश के मुद्दे को समर्थन दिया ही नहीं, ये लिखा है। इसी तरह से जो माओवादी आंदोलन था, उसी तरह से जो डेमोक्रेसी का आंदोलन था, जहां जहां मुझे कमी लिखी है, लगी है, मैंने लिखा है। जहां मुझे लगा कि वो सही है और इधर से कुछ गलत हुआ है, श्रीलंका से कुछ गलत हुआ है, उसको भी मैंने लिखा है। तो आप उसको मेरी राय के बारे में समझिए, जैसा सीके लाल ने कहा, ये मेरी अपनी राय है इन मुद्दों पर, उनकी आलोचना नहीं है, उनका विश्लेषण नहीं है। और यही मैं आपसे कहना चाहता था, लेकिन जैसा भी है, जैसा मुझे लगा, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप उसे स्वीकारें अस्वीकारें आपकी मर्जी है। लोग कहते हैं ना कि वो प्रभु मोरे देखी चिन तैसी जाती रही भावना जैसी। कई लोगों ने मुझे मित्र समझा है, कई लोगों ने मुझे दुश्मन समझा है। आज सुबह मेरे पास में एक ट्विटर आया था, उसमें लिखा था कि 10,000 रुपये मिलेंगे काला झंडा लेकर मुनि को मुर्दाबाद बोलना इस प्रोग्राम में, अभी है मेरे पास। तो मैं पहले से ही काला कपड़ा पहना है ताकि काले झंडे से मैच हो जाए और मुझे भी कहीं से 10,000 रुपये मिल जाए।